अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में बना रही हूँ बीफ हलीम की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हम दालों को भिगो के रख देंगे, क्योंकि इसे भीगने में टाइम लगता है। उसके लिए जो मैं यहाँ पे दालें यूज़ कर रही हूँ, एक प्याली मूंग की दाल, एक प्याली मसरा की दाल, एक प्याली माश की दाल और एक प्याली चनों की दाल। इन्हें मैं अच्छे से भिगो के रख दूंगी तकरीबन एक घंटे के लिए। दालें जब तक हमारी भीग के तैयार होती हैं, तब तक हम गोश्त तैयार कर लेते हैं। गोश्त को गलाने के लिए सबसे पहले मैं आधा किलो गोश्त में एक गिलास पानी और 1 टेबलस्पून नमक यूज़ करूंगी। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तो इसे भूनने के लिए जो हमें इसमें मसाले चाहिए, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 मग कुकिंग ऑयल और हलीम मसाला। बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले मैं गोश्त ऐड करूंगी, साथ ही मैं इसके अंदर एक गिलास पानी ऐड कर दूंगी और नमक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे, अच्छी तरह, ताकि ये गोश्त हमारा मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने आधे घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा गल के तैयार है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसके रेशे मैं अलग अलग कर लूँगी इसको। गोश्त जब तक हमारा ठंडा होगा तब तक हम दालों को गलने के लिए रख देते हैं। 3 लीटर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है पतीली में। दालें मैंने एक घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, भीग के ये तैयार हैं। 1 पाव मैं इसमें दलिया यूज़ कर रही हूँ। इसे फ़ौरन से धो के हम पानी में ऐड कर देंगे। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, नमक ऐड होगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर अब सारी भीगी हुई दालें ऐड कर लूँगी और दालें ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। अच्छे से दालों को मैंने मिक्स कर लिया, दलिया को मैंने धो लिया था। अब मैं दलिया को पानी में ऐड कर दूंगी। दलिया ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गलने के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके कवर करके रख दूँगी। 1 घंटे के लिए मैंने दालों को गलने के लिए रख दिया था। दालें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं, अब हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। दालें हमारी गल के अच्छे से तैयार हैं, अब हम गोश्त को भून लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पतीले में ऑयल ऐड करूंगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम। बीफ के रेशे मैंने अलग अलग कर लिए थे, अब मैं इसे ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। फ्लेम इसके नीचे मैंने हाई कर दी है। दालों को हमने अच्छे से घोट लिया था, अब गोश्त को भी हम थोड़ा सा घोट लेंगे। इसे से मैंने घोट लिया है, अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी ये सारे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हलीम मसाला पैकेट पूरा ऐड कर दूंगी मैं। गोश्त हमारा अच्छे से भून के तैयार है, अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और ये सारा गोश्त हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। दालों को मैंने अच्छे से घोट लिया था, अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। और गोश्त ऐड करने के बाद मज़ीद अब हम इसे घोट लेंगे। बीफ हलीम हमारा बनके तैयार है। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसे गार्निश करने के लिए जो हमें अब चीज़ें चाहिए,
हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और प्याज। सबसे पहले मैं हलीम पे अनियन रिंग्स ऐड करूंगी। अनियन रिंग्स के बाद हम इस पे ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर जिंजर ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको गार्निश करने के लिए जो चीज़ें पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके मीट में अब हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर मिर्चें ऐड करके, सुरख मिर्च ऐड करके रेड ऑयल रेडी किया है, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर होल स्पाइस ऐड करेंगे। मज़ेदार बीफ हलीम की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।